जिन्होंने भी 2018 से पहले पढ़ाया है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। केवल 18 में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है। तो पहला हम पूरा वाक्य पढ़ के सुना देते हैं कि आखिर सरकार ने फैसला किसके लिए लिया है और अधिक शिक्षकों के उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है जिन्होंने 2018 से पहले पढ़ाया था, यानी कि अगर आपको 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है भी तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप सिंह अकेडमी में। दोस्तों अति शिक्षकों का स्कोर कार्ड कल से जनरेट होना शुरू हो गया है, हमने आपको जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर कई सारी समस्याएं आ चुकी हैं, जैसे कि सबसे पहले कई लोग 25 अंक जुड़ गए हैं, कई लोग 25 अंक शो नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे कि नए शिक्षकों को अब आगे क्या प्रोसेस करना है, और जिन्होंने ऑफलाइन भर्ती की थी क्या उनको अनुभव नहीं मिलेगा, या सन 2018 से पहले अगर आपने पढ़ाया है और आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा सत्यापन नहीं हो पाया, सत्यापन नहीं हो पाया तो हम आगे क्या कर सकते हैं, वर्ग 3 का जो SST, SST1, SST2 और SST3 का जो स्कोर कार्ड आ रहा है तो वर्ग 3 में 100 नंबर BEd के नहीं जोड़े गए हैं, इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको 6 लाख से सब्सक्राइबर दिए हैं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देते हैं ऑथेंटिक सही जानकारी। यदि आप कुछ भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और घर बैठे आसानी से सारा समाधान प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको कि ऐसे शिक्षकों को जो पोर्टल पर अभी आपने लॉगिन किया होगा, लॉगिन करने के बाद आप यहां पर आधार कार्ड और यूजर नेम डाल के अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड जनरेट होने के बाद आपको वहां पर कई जगह पर कई लोगों को 25 अंक मिल चुके हैं, कई लोग 25 अंक नहीं मिले हैं। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि जिन्होंने भी 2018 से पहले पढ़ाया है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। केवल 18 में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है। तो पहले हम पूरा वाक्य पढ़ के सुना देते हैं कि आखिर सरकार ने फैसला किसके लिए लिया है और अधिक शिक्षकों के उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है जिन्होंने 2018 से पहले पढ़ाया था, यानी कि अगर आपको 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है भी तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 18-19 वालों को ही लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर भर्ती हुई थी। तो पूरा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, वीडियो अंत तक देखें, प्लीज वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई लोग समस्या के घिरे हुए हैं, कई लोग को प्रॉब्लम है कि आखिर हमारे 0 क्यों आ रहे हैं, तो उनको ये जानकारी पहुंच जाएगी कि हम 0 क्यों आ रहे हैं। और दोस्तों जानकारी देने पहले आपको बता दें कि जिन्होंने पिछले साल पढ़ाया है और उनको 0 आ रहे हैं तो उनमें कैसे आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, उनको 25 अंक कैसे करवा सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। स्कूल शिक्षा मंत्री यानी अधिक शिक्षक भर्ती के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से आधिकारिक सूचना स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रणव चौधरी ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 18-19 में अति शिक्षक पोर्टल से चयनित 3 माह या उससे अधिक कार्य कर चुके अति शिक्षकों को 25 अंक का बोनस दिया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने यह निर्णय पूर्व में किए गए कार्य कर चुके अति शिक्षकों की मांग पर लिया है। इस निर्णय में गत वर्ष कार्य कर चुके लगभग 70,000 अति शिक्षक लाभान्वित हो जाएंगे। अब शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रथम चरण में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अति शिक्षकों को रखने के लिए पूर्व में वर्ष व्यवस्था की गई थी, जो कि अभी चल रही है, कंटिन्यू आपको पता है काउंसलिंग चल रही है इसकी, मतलब काउंसलिंग होने वाली है उसका हम आपको पूरा वीडियो, हाँ जिनको काउंसलिंग का डिटेल लेना है पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पर आ जाएगी आसानी से। दोस्तों आप बिल्कुल ना घबराएं, भ्रांति जो फैला रहे हैं या जो आपको भ्रमित कर रहे हैं उनके बारे में, कई लोगों ने 29 तारीख से काउंसलिंग चालू कर दी थी, कई लोग बोल रहे थे 3 तारीख चालू होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग जैसे चालू होगी हम आपको बता देंगे, सूचित कर देंगे और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस प्रक्रिया में पात्रता अनुसार बोनस अंक देने के बाद विकास खंड स्तर पर स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा, जो कि जनरेट हो चुका है। अब ये जो स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है इसको लेकर आधार कार्ड लेकर आपको संकुल पर प्राचार पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्कोर कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, वो हम आपको बता देंगे कैसे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सत्यापन नहीं हो सका है, कई लोगों का क्वेरी है यहाँ पर, सत्यापन जिनका नहीं हो सका है दोस्तों उनका कुछ नहीं हो सकता, अब आपको अगली बार ही जो करवाना पड़ेगा, जो टाइम नहीं खत्म हो चुका है, 2018 से पहले पढ़ाया है उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। और 2018 में भी 19 में जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से चयनित हुए थे उनको ही फायदा मिलेगा, 3 माह या इससे अधिक कार्य किया हो। अगर आपने ऑफलाइन भर्ती ली थी तो उनको भी अभी 0 आ रहे होंगे हो सकता है, और इनको बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, बट जिनको ऑफलाइन भर्ती हुई थी उनको शायद 0 आ रहे होंगे, उनको अभी यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि स्कोर कार्ड में अपडेशन करने के एक ऑनलाइन जरिया भी है, जिसका वीडियो आज 12-1 बजे तक बना के देंगे आपको,
क्योंकि इसकी पूरी कार्यवाही हम आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे, तो आप प्लीज बने रहे हमारे साथ, हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर स्कोर कार्ड में अपडेशन कैसे करा सकते हैं। कोई भी त्रुटि हो, नाम की त्रुटि हो, आपके बीएड डीएड की त्रुटि हो, आपने बीएड डीएड एडमिशन ले लिया हो, या फिर आप रनिंग में हो तो उसकी त्रुटि हो, या फिर आपका अंक गलत आ रहे हैं, अगर आपने कुछ भी स्कोर कार्ड आपका गलत आ रहा है, तो उसके लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको 12 बजे आज दोपहर मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो शेयर करना ना भूलें।